और सीधा रुख कर लेते हैं अहम खबर की। संजय सिंह चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का के करीबी हैं और WFI के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इसके बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहलवानों ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह का दाहिना हाथ है। साक्षी मलिक ने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है। साक्षी मलिक ने कहा है कि आज से मैं अपनी कुश्ती त्यागती हूं। वहीं विनेश फोगाट, रेसलिंग का भविष्य अंधकार में है। विनेश फोगाट ने कहा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ने सामूहिक तौर पर कहा कि हमने महिला अध्यक्ष की मांग की थी, हमारी किसी मांग की कोई सुनवाई नहीं हुई और आज बेहद दुखी होते हुए पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों भावुक भी होती नजर आई। साफ तौर पर काफी लंबे समय तक पहलवानों ने प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया। पहले दौर में भी जंतर मंतर पर बैठे और उसके बाद दोबारा जब उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो फिर अपनी मांगों के चलते प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद देखिए WFI के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और उसमें संजय राय WFI के प्रेसिडेंट बनते हैं और साक्षी मलिक ने फिर आपको बता दे कहा है कि आज से मैं अपनी कुश्ती त्यागती हूं, हमने महिला अध्यक्ष की मांग की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बेहद हताश और निराश होते हुए आज पहलवानों ने WFI का जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और उस प्रेसिडेंट के चुनाव में ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह WFI के नए प्रेसिडेंट बने और उसके बाद पहलवानों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि साक्षी मलिक ने कहा है कि मैं आज से अपनी कुश्ती त्यागती हूं। तो ये बड़ी खबर, आज WFI के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और उसके रिजल्ट में जो सामने आया उससे पहलवान बेहद निराश नजर आए। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाराजगी जाहिर की।